हालांकि किपूली और उसके साथियों का अभी तक इन मादाओं से कोई बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन सॉसेज ट्री प्राइड एक मजबूत झुंड है। जिसकी बेखौफ अगुआ है किंग की टेल। साथ मिलकर जबरदस्त कहर बरपाते हैं ये दुश्मन और शिकार दोनों पर। उनका पसंदीदा खाना है भैंसा, लेकिन ये भारी भरकम जानवर कड़ी टक्कर देते हैं हर तरह से लैस शिकारियों तक को। अब इस भैंसे को मारने के लिए जरूरी है झुंड का एक तेज तर्रार शिकारी जत्था होना। घनघोर बारिशों के इस मौसम में आसमान से हफ्तों तक लगातार बरसता है पानी। अब हालात चाहे जैसे भी हों, किंग की टेल और उसके झुंड को पेट तो भरना ही है ना। शिकार में हर एक को निभाना पड़ता है अपना किरदार। और एक अगर थक जाए तो दूसरा कमान संभालता है। धीरे धीरे बड़ी तरकीब से अपने शिकार को थका देते हैं वो। तलवार की धार पर टिका होता है पलड़ा मांसाहारी और विशाल शाकाहारी के बीच। लेकिन सॉसेज ट्री फ्राइड इस खेल में खूब माहिर है। किंकी टेल की अगुवाई में वो आखिरी हमले के लिए ताकत जुटाते हैं। आखिरकार दांतों और पंजों के लगातार हमले से पस्त भैंसा घुटने टेक ही देता है। जंग के बदनुमा दाहों में रंगा झुंड थोड़ा दम भरने के बाद हाथ साफ करता है जंग में मिले इनाम पर।
वीरानों में जान की कोई कुर्बानी जाया नहीं जाती। शेरों की रवानगी के बाद बचे चीथड़े बहुतों का पेट भरते हैं। कुदरत का तरीका है ये, और ऐसे ही हालातों में हर जीव जिंदगी के उतार चढ़ाव सहने को मजबूर है। छूट किसी को भी नहीं, चाहे वो भारी भरकम हो या कोई शर्मीला। भर पेट खाना मिला है झुंड को, फूले पेटों की बेचैनी दूर करने को लंबी तानने से बेहतर और क्या होगा भला। इधर वो छाया में झपकी लेंगे और उधर उनके शरीर के दमदार डाइजेस्टिव सिस्टम्स अपना काम पूरा करके उनमें फिर से इतनी फूर्ति भर देंगे कि वो अपने इलाके में आगे बढ़ सकें। जिंदगी को पालने पोसने और इसकी हिफाजत करने में झुंड अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन हालात नासाज हैं इसके लिए। ये एक नामुमकिन सफर है। असल में तो जिंदगी के शुरू होने से पहले ही इसका खत्म होना बंधा है इस जैसे बहुतों के लिए। मार्च, अप्रैल और मई में ज्यादातर वक्त बारिश की झड़ी लगी रहती है।
जंग का मैदान सज चुका है। लेकिन उनसे पहले तो दूसरे पर भक्षी पहुंच चुके हैं। वहां लकड़बग्घों का एक जत्था झुंड को ललकार कर अफरा तफरी मचाते हुए हमले की तैयारी में है। हादों को परखते हुए कमजोर को दबोच लेता है। भैंसे मुकाबला करते हैं, लेकिन लकड़बग्घों की तादाद लकड़बग्घों को ही कामयाबी दिलाती है। लकड़बग्घे भले तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन भूखा सॉसेज ट्री प्राइड भी इतनी आसानी से कहां मानने वाला है। किपूली और उसके साथ ही नर इलाकाई मामलों से भले साथ निपटते हों, पर खाने के मामले में कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन इस शिकार से सभी का पेट भर सकता है। जल्दी ही झुंड लूट का माल आपस में बांट लेता है। और हमेशा की तरह इन वीरानियों के हादसे एक कुनबे से कहीं ज्यादा का पेट भरते हैं। लालच के अपनी जंग के निशान लिए किपूली हवा में तैरती मन को ललचाती दूसरी महक पकड़ता है। मिलन के जोश में है ये शेरनी। झुंड में बच्चे नहीं हैं, लिहाजा अपनी तादाद बढ़ाने के लिए ये तो करना होगा इन्हें। इस बार छोटा नर बड़े के लिए रुकावट नहीं बनता। लड़ने का तो एक ही नतीजा निकलना था, जबकि इस कवायद का मकसद है सॉसेज ट्री प्राइड की तादाद बढ़ाना न कि कम करना। पिछले से ज्यादा कारगर साबित करना होगा इस मिलन को। आखिर सवाल कुनबे की इज्जत का है।
आग। बारिश की ही तरह ये भी मारा इकोसिस्टम का हिस्सा है और घनी घास ईंधन की कमी कहां होने देती है। बेलगाम बढ़ती आग झुंड की सब्ज शिकार गाह को देखते ही देखते बर्बादी की चादर से ढक देती है। गर्म राख से गुलबुलाकर उठ खड़ी होती है एक नई जिंदगी। ज्यादा वक्त नहीं लगता नई शाखों को शाकाहारियों को लुभाने में। और शेर तो इंतजार में है ही। हालांकि आग की तपिश से तो वो भी अछूते नहीं रहते। अंधेरे और घास के अनछुए झाड़ों की मदद से वो लगाते हैं खाद। कामयाबी मिलेगी तो तरकीब और तालमेल से। आज रात एक बार फिर किंकी टेल और उसका झुंड दावत का लुत्फ उठाएगा। ज़ेब्रा का ये निवाला तो बस शुरुआती लज्जत है उस ढेर से खाने की जो जगह बदलते झुंडों के मारा में पहुंचने पर मिलने वाला है। दूर इलाकाई गश्त पर निकले इन नरों को नसीब नहीं हुई झुंड को मिली वो सौगात। लंबी बरसात की आखिरी झड़ी तपती धरती में नई जान फूंकती है। पेट में खाना पहुंचने के बाद झुंड फुर्सत पाकर एक दूसरे से सटकर आराम के पल बिता सकता है। आपसी नाता ही तो मजबूती देता है झुंड को। हालांकि उनकी नसों में एक ही खून बहता है लेकिन ये मेलजोल ही है जो शेरनियों को आपस में जोड़कर एक मजबूत ताकत
और नरों की आंखों का नूर बनाता है। बेमतलब नहीं है उनका ये लगाव, एक टीम के नाते उनकी कामयाबी के लिए जरूरी है ये। मौसम में बदलाव हवा में खुश्की ले आता है और मारा सांस थामे किंग की टेल और उसके साथियों की सोहबत में नहीं बिताता। अपने इलाके की गश्त के लिए झुंड से दूर जाना होगा उसे। इन लंबी कवायतों में वो और उसके साथी अलग अलग राहों पर बढ़ते हैं। मारा नदी वो धारा है जो जीवन से सराबोर करती है इस हैरत अंगेज इकोसिस्टम को। नदी ही है जो मारा के बदलते मौसम में किसी न किसी मौके पर किसी न किसी तरह जीने के अंदाज पर असर डालती है हर जीव के। जून नए मौसम के आगाज की दस्तक देता है। मंजर में उम्मीदों की बयार बह निकलती है। नए ठिकानों की तरफ बढ़ने लगे हैं जानवर। सरंगिटी से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए वाइल्ड बीस्ट के झुंड जमा होने लगे हैं मारा नदी के मुहानों पर। ये खींचे चले आते हैं उन हरे भरे मंजरों की कभी न खत्म होने वाली तड़प से जो मौजूद हैं इन जोखिम भरी अड़चनों के उस ओर।
ज़ेब्रा भी काबू कहाँ रख पाते हैं लालच पर, और बस कुर्बान हो जाती हैं कई जिंदगियां दिमाग में सवार धुन की वजह से। जुनून में डूबे जत्थे आगे बढ़ते जाते हैं, और इधर जिंदगी देने वाली नदी मौत का कुआं बन जाती है। और एक बार फिर मुर्दा खोर दावत उड़ाते हैं, लेकिन लाखों फिर भी बढ़ते जाते हैं और कामयाब होते हैं।
इससे पहले कि वो जान पाए कि वो निशाने पर था। खाने को काफी कुछ है अब, फिर भी खुद बोझा ढोकर किंकी टेल साफ कर देती है कि पहले कौन खाएगा। अपने खाने का खुद इंतजाम करना होगा बाकी के झुंड को मिलकर। माइग्रेशन की सौगात साथ लाती है झुंडों में अफरा तफरी का दौर, जब मांस की भूखी बिल्लियां ताक पर रख देती हैं इलाके के कायदों को। सॉसेज ट्री ब्राइड कभी हिस्सा था एक कहीं बड़े झुंड का, लेकिन फिर दो शेरनियों ने कुंबे में दरार डाल दी अपनी खुद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे पैदा करने की एक ही कोशिश में अलग हुआ झुंड 2 से 6 का हो गया। आसपास खुली जगह और भरपूर खाने की बदौलत के
केपुली के सॉसेज ट्री इलाके में घुसपैठ करने के बावजूद वो अपना दायरा बढ़ा रहा है। कश्त के अपने जाने पहचाने इलाके से आगे जाकर नई जगहों पर अपना दावा कायम करते हुए इन अनजान हिस्सों की मिल्कियत अभी तय नहीं है, लेकिन यहाँ का मालिकाना हक पाने के लिए किपुली को साबित करना होगा अपना दमखम कई मोर्चों पर। एक आवारा नर अलग हुए झुंड की एक शेरनी पर डोरे डालता है, जिसके जोश की महक महसूस करके किपुली ठान लेता है कि चाहे जो हो वो उस नर की मंशा पूरी नहीं होने देगा। जल्दी ही उसकी असल काबिलियत अपना असर दिखाकर उसे दिलाती है उसका खास इनाम। एक और मौका अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का। और इसके जरिए नए रिश्ते बनाने का। ओल्डोनियो पाइक भाइयों की एक ताकतवर जोड़ी को भनक मिल जाती है किपुली की गैर हाजिरी की। सॉसेज ट्री प्राइड के इलाके को बेहिफाजत देखकर ये भाई आगे बढ़ते हैं और इस भरे पूरे इलाके पर अपना दावा जताते हैं। वो कोशिश करते हैं अपने खुद के मेल बनाने की। भाइयों में से एक को अपने साथ मिलन करने की छूट देकर किंकी टेल अपने झुंड की हुकूमत में बदलाव की सुकून भरी राह बनाती है। माइग्रेशन का खत्म होना आगाज करता है सॉसेज ट्री प्राइड के दौर के खात्मे का। लेकिन किपुली की नस्ल का नहीं, उसकी विरासत तो बह रही है उसके वारिसों की नसों में। आखिरकार सॉसेज ट्री प्राइड को कामयाबी मिली। ये
अपने बढ़ते कुनबे के लिए खाना जुटाना रोजाना की जिम्मेदारी है। नवंबर बीतता है, दिसंबर आता है और हल्की फुल्की बारिश खिली धूप के ज्यादा खुश्क दिनों की राह बनाती है। मौसम में बदलाव के बावजूद सॉसेज ट्री श्रेणियों को बहुत काम है। झुंड में फिर एक बार जोश से सराबोर ये बच्चे जो पैदा हुए हैं। भले ही इनमें से कुछ ही बच्चे जिंदा बचे, लेकिन तब भी सॉसेज ट्री प्राइड की विरासत कायम रहेगी, क्योंकि मारा की सौगातों पर पैदाइशी हक है उनका और इनमें से हर एक अपनी नस्ल में सहेजे है, जांबाज शेरों की इस हैरतअंगेज समूह की कई खूबियां। मंजर तैयार है। सॉसेज ट्री प्राइड शेरों की नई पीढ़ी की जिंदगानियां जांबाज और दमदार किरदारों के बीच पनपेंगी।
कुनबे का जीवन और मिलकर काम करना उन्हें आपस में जोड़े रखेगा हर तरह के हालात में। और ये शेरनियां अपने काम में जुटी हुई हैं। ढल जाने में माहिर ये शेरनियां उतनी ही जिम्मेदार माँ होती हैं, जितनी दिलेर ये शिकारी होती हैं। ये दो अहम समझ हैं, जिनकी उन्हें जरूरत होती है। हर हालात का सामना करके अपने कुनबे को संभालने और उन्हें बड़ा करने में